पर है, सरकार की साख दांव पर है। एक सीट योगी आदित्यनाथ की सांसद बनने के मुख्यमंत्री बनने के बाद छोड़ी हुई सीट है गोरखपुर, दूसरी केशव प्रसाद मौर्य की सीट। इसके अलावा आपको बता दें कि ये दो सीटें हैं जिन पर महामुकाबला है, सरकार की साख दांव पर है। लगातार अपडेट आ रहे हैं हमारे पास और मतदान की तस्वीरें आपके सामने हैं। वोट जो लोग डाल रहे हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी वोट डाला है, इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी मतदान किया है और हिंदी खबर से खास बातचीत भी की डिप्टी सीएम ने, तो कहा कि 14 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो कमल ही खिलेगा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, चार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गठबंधन की भी आज अग्नि परीक्षा है। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं कि मठ के तमाम लोग, योगी आदित्यनाथ क्योंकि गोरखनाथ मठ से ताल्लुक रखते हैं तो मठ के लोग, गोरखनाथ मठ के तमाम लोग भी आज वोट डालने के लिए पहुंचे। इसके अलावा खुद योगी ने वोट डाला अपनी सीट पर फूलपुर में। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे क्योंकि उनकी अपनी सीट है जहां से वो उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट, इसका सांसद पद खाली पड़ा हुआ था, संसदीय सीट ये खाली थी, वहां पर खुद केशव प्रसाद मौर्य फूलपुर में पहुंचे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो जनता के लिए है कि आखिर प्रदेश की सत्तारूढ़ सरकार है, पार्टी है, कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा, ये जनता के हाथों में। प्रदेश सरकार की प्रयासों का आकलन है ये मतदान। तो चलिए आज के हमारे पैनल, हमारे आज के चर्चा के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपको उनसे हम मिलवा देते हैं हमारे हिंदी खबर के दर्शकों को और इसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे और आज मंथन करेंगे कि ये जो महामुकाबला है सरकार का आज और ये अग्नि परीक्षा जो है कि आपने इतने दिन जो प्रयास किए हैं उस प्रयास का नतीजा फल जनता आपको क्या देती है, कितने नंबर देती है, इस मतदान से बहुत कुछ साफ होगा। हमारे मेहमान हमारे बीच आ चुके हैं तो आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। सबसे पहले हमारे साथ के पांडे जी हैं, आप कांग्रेस से हैं, लखनऊ में आप मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार पीके तिवारी लखनऊ स्टूडियो में मेरे साथ हैं, केसी जैन साहब हैं समाजवादी पार्टी से लखनऊ स्टूडियो में, राजीव मिश्रा जी मेरे साथ इस वक्त नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं और बीजेपी की ओर से राजीव मिश्रा जी, एके मिश्रा जी मेरे साथ दिल्ली स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर के स्टूडियो में। तो सबसे पहले पॉलिटिकल रिएक्शन लें हम, उसके पहले पीके तिवारी जी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, इस नाते प्रदेश की स्थिति, सरकार का कामकाज, वादे बातें, विपक्ष के व्यंग्यवाण, तमाम चीजें इस वक्त आपके सामने रही हैं, क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में? ये प्रतिष्ठापूर्ण उपचुनाव है, जाहिर है कि गोरखपुर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो स्वयं वहां के सांसद रहे हैं लगातार और अजेय रहे हैं, बिल्कुल अपराजेय रहे हैं और इस समय मुख्यमंत्री भी हैं। सरकार का एक साल पूरा होने जा रहा है, 19 मार्च को उन्होंने पिछले उसमें साल में शपथ ली थी। अब एक निगाह ये भी लोगों की लगी हुई है, लेकिन एक बात ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वो मंदिर जो जिस मठ के गोरखनाथ मंदिर के वो महंत हैं और उससे उनका संबंध है तो उसकी भी एक प्रतिष्ठा है और उसके प्रति बहुत से तबके की आस्था जुड़ी हुई है जी। मैं समझता हूं कि वहां पर जातिवाद या धर्मवाद भी पीछे छूट जाता है। धर्म तो जाहिर है कि वो सनातन धर्म की बात है और हिंदू धर्म की बात कही जाती है तो हो सकता है जाति का फैक्टर वहां पर कम पड़े। ये जो आस्था का फैक्टर है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में ज्यादा रहे तो ये उम्मीद की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी सशक्त पड़ सकती है गोरखपुर में इस बार भी, क्योंकि बहुत से लोग ये सोच सकते हैं कि योगी की, बाबा की प्रतिष्ठा दांव पर है और क्यों उनको नीचा समय देखना पड़े और एक बार उनको फिर हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, रह गई फूलपुर की बात तो फूलपुर तो भारतीय जनता पार्टी की कभी भी सीट नहीं रही थी और इस बार जरूर 2014 में केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव जीत लिया था, लेकिन जाहिर है कि विपक्ष के पास खोने का कुछ भी नहीं है और उनकी एकता का जो एक प्रयास है, कांग्रेस तो चुनाव लड़ रही है दोनों जगह से लेकिन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स दोनों जगह जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स
नहीं खड़े किए गए हैं और बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मायावती, उन्होंने सपोर्ट देने की घोषणा भी कर दी है। तो उसका एक ये बहुत बड़ा ट्रायल भी हो जाएगा, टेस्ट भी हो जाएगा, और वहां पर ये देखने वाली चीज है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो समर्थन घोषित किया है वो वास्तव में वोट में ट्रांसलेट होता है कि नहीं होता है। अगर मतों में परिवर्तित होता है तो जाहिर है कि दलित और बैकवर्ड दोनों पार्टीज जो है वो उनकी बहुसंख्यक बन जाती है स्थिति। ठीक है सर, हमारे राजनीतिक सलाहकार हैं एके मिश्रा जी स्टूडियो में, नोएडा स्टूडियो में। मिश्रा जी, ये जो पीके तिवारी जी वहां का आकलन बता रहे हैं फूलपुर का, गोरखपुर का, क्या आप सहमत हैं इससे? देखिए, आकलन से मैं लगभग सहमत हूँ। मैं थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा बहुत ही लॉजिकल वे में मैं इसको बोलना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि बाई इलेक्शंस और जो मेन इलेक्शंस होते हैं 2014 या 2017 में, वो दोनों में बहुत फर्क है। बाई इलेक्शंस में लहर जैसी कोई चीज नहीं होती है। बाई इलेक्शन जो होता है वो इंडिविजुअल अपने कैंडिडेट की हार्ड कोर जो वोट बैंक की अर्निंग होती है उस चीज पे होती है। यही रीजन था कि बीजेपी की कभी भी सीट फूलपुर नहीं रही, या कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की। मेन इलेक्शन में लहर चली तो लगभग 3 लाख वोटों के अंतर से केशव प्रसाद मौर्य जी जीत गए। अब आप गोरखपुर का जरा बात करिए। गोरखपुर में कांग्रेस के बाद महंत अवैधनाथ जी ने जो ये सीट अर्जित की, आप बोल सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ अगर बीजेपी छोड़ के फिर निर्दलीय खड़े हो तो वो फिर वहां पे जीत जाएंगे। उसका रीजन है गोरखपुर की सीट वो हार्ड कोर इंडिविजुअल जो कॉन्ट्रीब्यूशन है योगी आदित्यनाथ जी का या उनके मठ का। ये सिचुएशन वही है कि लहर होने के बावजूद भी आपने देखा होगा 2014 में कि कहीं कहीं निर्दलीय प्रत्याशी ही बड़े अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे वोटों से जीत गए, बीजेपी कांग्रेस या अच्छी पार्टियों के कैंडिडेट हार गए। दूसरा क्वेश्चन, बाई इलेक्शन और मेन इलेक्शन में जो फर्क होता है, देखिए बीजेपी फूलपुर का जो इलेक्शन की सीट है ये अपने आप में इलाहाबाद और अगल बगल का बहुत कॉम्प्लेक्स डायनामिक्स होता है। आप ये देखिए कि 2014 में जो इनको मिले थे और अब की बार ये कैंडिडेट लाए हैं, कैंडिडेट चुनार से आए हुए हैं, ये बीजेपी भी जातिगत समीकरण को साधने की कोशिश कर रही है तभी पटेल कैंडिडेट को ले आए हैं। इसका मतलब है कि बीजेपी अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं तो 100 किलोमीटर दूर से किसी एक अनजाने कैंडिडेट को ले आना ये एक बहुत मतलब एक क्वेश्चन मार्क है। तीसरी चीज आप ये देखिए, जातिगत समीकरण इलाहाबाद और फूलपुर के अगल बगल के क्षेत्रों में बहुत गजब तरीके से काम करेगा। पर्टिकुलरली ये लड़ाई अगर आप देखेंगे तो इंडिविजुअल योगी जी और केशव प्रसाद मौर्य के अपनी उसकी लड़ाई है। बीजेपी का मैंने ये देखा है, बहुत सारे बाई इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी उसमें हार गई थी। मेन पार्टी जो होता है वो बाई इलेक्शंस को बहुत सीरियसली नहीं लेती है। अंतिम में ये बोला जा सकता है कि फूलपुर का इलेक्शन इनके लिए वाकई में बहुत चैलेंजिंग है बीजेपी के लिए, लेकिन गोरखपुर के लिए आज ही नहीं कल भी अगर कोई इलेक्शन होगा, क्योंकि वो उनकी हार्डकोर अर्न सीट है सर। उन्होंने बहुत मेहनत की है पिछले 10-15-20-25 सालों से, 5-7 साल से, तो वहां के लिए तो रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर आप मान सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का क्या जवाब देंगे आप राजीव मिश्रा? ये फूलपुर जो आपके लिए एक कॉन्फ्लिक्टेड सीट हो रही है इस वक्त, क्या लगता है कि चुनौती गोरखपुर नहीं, चुनौती सिर्फ फूलपुर ही है? जी, मेरी सीटें हैं दोनों, और जिस तरह से हमको कॉन्फिडेंस है, हमने बूथ मैनेजमेंट किया है और बूथ मैनेजमेंट हमने शुरू से किया है, आज से नहीं किया है। ये जब चुनाव हमारे जिस दिन उन्होंने शपथ ली थी उसी दिन से हमारी टीम वहां पे लग गई थी, और आज हम बूथ मैनेजमेंट फुल पूरा हमारा गोरखपुर में आप देख लीजिए, चाहे वहां इलाहाबाद वाला देख लीजिए, दोनों का मैनेजमेंट फूलपुर का, और जिस तरह से हमने मैनेजमेंट किया है निश्चित हम जीत है, और हमने एक एक पन्ना प्रमुख बना रखा है हर आदमी व्यक्ति को, और निश्चित हमने वहां पे मैनेजमेंट करके चुनाव जीता है, और जिस तरह से हम जीते ही निश्चित ये दोनों सीटें हमारी है, और हमारी दोनों सीटें हमने जीत नहीं, जीत तो होगी होगी, हमने अंतराल बढ़ाने के लिए लड़ा है, निश्चित ये अंतराल बढ़ेगा आप देखिएगा दोनों। क्यों तो, और ये जो गठबंधन है आपके लिए कोई चुनौती लेकर नहीं आया क्या? अब तो सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, आप एक तरफ हैं बिल्कुल सारी, आपने देखा होगा पार्टी उसमें भी इकट्ठा हुई थी, ऐसा नहीं थी इकट्ठा नहीं हुई थी, आज लगा 2017 में भी पार्टी इकट्ठा हुई थी, लड़ने के लिए दोनों लड़े थे, क्या हाल हुआ था, लेकिन उनको पूरे तीनों इकट्ठा हो जाए, लेकिन हम आपको कॉन्फिडेंस कह रहे हैं आपके लिए, आप दोनों सीटों पे देखेंगे, दोनों सीटों पे अंतराल लंबा होगा, अंतराल से ही हम जीतेंगे। ठीक है, केसी जैन साहब, वो जीत कोई चुनौती नहीं कायम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से जो कॉन्फिडेंस है भारतीय जनता पार्टी जो दिखा रही है, आप देखिए वहां पे कितनी रैलियां हुई, कौन कौन वहां पे उतरा, और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग बहन मायावती जी के समर्थन के बाद में किस तरीके से दहशत में आ गए।
समाजवादी पार्टी ने अपना नामांकन अपने दम पर अपने बल पर किया, ना तो उसमें कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन है ना मायावती जी के साथ में था, लेकिन मायावती जी को यह लगा कि नहीं, समाजवादी पार्टी वहां बहुत अच्छे से लड़ रही है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने भाषण में कहा भी जब उन्होंने पीसी की कि जो सबसे अच्छे से लड़ रहा है अब उसके साथ में है। ऐसे में बहन मायावती जी ने जब ये देखा कि समाजवादी पार्टी वहां बहुत ताकतवर तरीके से लड़ रही है तो उन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन किया। अब समाजवादी पार्टी अपने दम पे पहले से लड़ रही थी, ऐसे में अगर वोट प्रतिशत समाजवादी पार्टी का बढ़ रहा है तो बिल्कुल जाहिर सी बात समाजवादी पार्टी वहां से जीत रही है, और यही दहशत है। इसी दहशत का नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अनाप शनाप भकने लगे। बताइए, बहन मायावती जी को सुप्रका तक कह दिया, अब बताइए दलित उसका बदला लेगा कि नहीं लेगा? दलित सुप्रका कहना भारतीय जनता पार्टी को क्या स्वीकार करेगा? हमें तो नहीं लगता है बिल्कुल स्वीकार करेगा। तो आप आश्वस्त हैं कि यहाँ पर जो, और इसलिए जो इधर उधर कोई भटका भी था वो वापस एक होकर के समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है, और समाजवादी पार्टी दोनों जगह की सीटें बहुत बड़े अंतर से जीत रही है। हाँ, ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी का बड़बोलापन है। अब ये कि जिस तरीके से अभी हमारे पत्रकार साथी जो समीक्षा कर रहे थे, उनकी समीक्षा बिल्कुल अपनी जगह पे सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं भावनात्मक लगाव होता है। जैन साहब, यही होगा, लॉजिक है सर, इसमें जो मैंने बोला है लॉजिक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी पार्टी का हूँ। अगर गोरखपुर में इलेक्शन हो, आज नहीं कल हो, तो स्वीकार नहीं कर रहा हूँ। अरे नहीं, वो ही कह रहे हैं, सही है सर। नहीं नहीं, आपको मैं स्वीकार नहीं कर रहा हूँ जी। आपकी समीक्षा अपनी जगह पे सही है, मैं आपकी समीक्षा को नहीं नकार रहा हूँ। सबकी अपनी अपनी समीक्षाएं होती हैं। कई पत्रकार ये भी कह रहे हैं कि जो वहां पे गए हैं देखे हैं, उनकी समीक्षा अपनी है। मैं आपको नकार नहीं रहा हूँ, ना मैं ये कह रहा हूँ आप किसी पार्टी की तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन भावनात्मक के साथ साथ भावनात्मक ये भी है। वहां पर गोरखपुर में 100 से ज्यादा जो बच्चों की मौतें हुई, जो देखिए कोई अपने बच्चे की मौत पे किसी को वोट नहीं देना चाहेगा। मैं नहीं मानता हूं इस चीज को कि बच्चे की मौत के एवज में वोट भी दे कोई किसी को। वहां पे जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मरे, ये भी एक बहुत बड़ा दर्द, ये भी अभी लोगों के जहन से उतरा नहीं वहां पर कि क्या व्यवस्था है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में। तो जो मुद्दे हैं, मुद्दे भावनात्मक चुनाव होने के बाद में भी गौण नहीं हो जाएंगे। मुद्दों पर भी चुनाव हो रहा है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। एक साल बीत गया चुनाव का, एक साल से मुख्यमंत्री है, बदले में क्या दिया? बच्चों की 100 से ज्यादा मौतें। तो ऐसे में हमें नहीं लगता है कि कहीं पर भी, दोनों जगहों में कहीं पर भी इनका चुनाव फिट बैठ रहा है, दोनों जगह बिल्कुल हिले हुए हैं। इसीलिए सांप, छछूंदर, सुपनखा, रावण, लंका, क्या क्या लेकर के आ गए। ठीक है, कहीं विकास की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है, क्यों विकास की बात नहीं कर रहे? क्योंकि कोई काम नहीं किया। ठीक है, के पांडे जी, ये जो कह रहे हैं केसी जैन, इमोशनल रहेगा, मुद्दे रहेंगे। वैसे तो आपकी पार्टी अपने आप में सपा के साथ गठबंधन करके चुनौती देने का एक प्रयास कर चुकी है, नतीजा कुछ खास नहीं निकला था। देखिए, विधानसभा के चुनाव की परिस्थितियां अलग थी, और जो गठबंधन बार बार कहा जाता है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन विधानसभा में हुआ था, उस पर भी जरा प्रकाश डालने की जरूरत है कि वह गठबंधन लास्ट मोमेंट में, और लास्ट मोमेंट में उस समय समाजवादी पार्टी के परिवार के लोग भी अखिलेश यादव को कहीं कहीं खींचने में लगे हुए थे, और उन परिस्थितियों में एक तरफ हमारा गठबंधन चल रहा था, एक तरफ हमारे उम्मीदवार नहीं थे दोनों पार्टियों के हो पा रहे थे, और एक तरफ उन्हीं के पार्टी के लोगों द्वारा कहा जा रहा था कि गठबंधन ठीक नहीं, यानी हमको विरोधियों की जरूरत ही नहीं थी, हमारा गठबंधन के ही लोग आपस में एक दूसरे के विरोध में भी लग गए थे, इसलिए उससे तुलना नहीं की जा सकती। आज की स्थिति है, एके मिश्रा साहब को मतलब मैं सुन रहा था, कल भी इनको किसी चैनल पे सुन रहा था, बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं आप जी, धन्यवाद। और लेकिन गोरखपुर की जो स्थिति है, ऐसा नहीं है कि वह मंदिर की एकदम बपंस की वह सीट है, वहां से हमने मंदिर को हराया है, वहां के महंत को हरकेश बहादुर को जिताया है, नरसिंह नारायण पांडे वहीं से सांसद हुए रहे हैं। ऐसा नहीं है, एक इलेक्शन ऐसा था जो अवैधनाथ जी के समय का था, और रामकृष्ण द्विवेदी जी बाई इलेक्शन मानीपार, शायद आप बड़े पत्रकार हैं जानते हैं, हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे उस इलेक्शन में, एकदम वह प्रतिष्ठा का सवाल इसी तरह। ठीक है, एक मिनट के पांडे जी, एक मिनट रुकूंगा आपको, एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, वो बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा दें। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उपचुनाव में मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है, ये बड़ी अहम बात है अभी इस समय की। फूलपुर में 11 बजे तक जो मतदान हुआ है वो 12% हुआ है अकेले फूलपुर में, फूलपुर संसदीय सीट। गोरखपुर में 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत 17, यहाँ 2%, यहाँ 5% मतदान ज्यादा है फूलपुर से, फूलपुर में 12%, तो गोरखपुर में 17% मतदान। उपचुनाव में अब तक जो
प्रतिशत सामने आया है, ये ठीक 11 बजे तक का प्रतिशत है क्योंकि 15 मिनट ऊपर हो चुके हैं 17 मिनट, तो 11 बजे तक का ये प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं गोरखपुर और फूलपुर। बाढ़ आती है या संकट आता है तो नेवले और सांप ये दोनों साथ साथ रहते हैं, इनकी यही गति है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भुआ भतीजे का फिर यही कंडीशन, साइकिल टूट जाए। अब भुआ भतीजे में कौन साइकिल संभालेगा और कौन हाथी संभालेगा ये आपस में तय करें, हम तो इन दोनों के ऊपर कमल खिलाएंगे। तो लगातार जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हैं वो सब सामने आ रही हैं, हर पार्टी अपने आप को लेकर जीत को लेकर बहुत आश्वस्त नजर आती है। प्रतिशत की हम बात कर रहे थे, मतदान प्रतिशत जो अब से कुछ ही देर पहले सामने आया है 15 मिनट पहले का, यानी ठीक 11 बजे तक के लिए फूलपुर में 12% मतदान हो चुका है जबकि गोरखपुर में 5% से ज्यादा हुआ है, 70% मतदान की खबर आ रही है। तो आइए चर्चा की तरफ हम लौटते हैं। के पांडे जी से मैं उनकी बात पूरी करने के लिए कहूंगा, लेकिन इसके पहले एके मिश्रा जी, ये जो प्रतिशत है इस पर क्या कहेंगे, 12% फूलपुर 17% गोरखपुर? देखिए ये प्रतिशत को अभी जो है मैं कोई बहुत ज्यादा इसके डायनामिक्स और इसके इम्पैक्ट को अभी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन प्रतिशत का क्या रोल होता है मैं आपको बता देता हूँ। वोटिंग में ओवरऑल प्रतिशत अगर 70-75-80% चला जाए तब तो ये इंडिकेशन होता है कि ये लहर की खबर है और जो भी पार्टी या कैंडिडेट जीतेगा बहुत बड़े मार्जिन से वो जीतेगा। अगर वोटिंग प्रतिशत आपका एवरेज रहता है 50-60% तो कंपटीशन बड़ा टिपिकल हो जाता है, या तो विक्ट्री बड़े लेस मार्जिन से होगी, कुछ हजार 2-4-6 हजार वोटों से हो जाती है। खैर यहां तो ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया या स्टेट लेवल पे देखा जाए तो हंग जो है गवर्नमेंट बनने की वहां पे संभावना होती है। मेरे ख्याल से 2 बजे तक हमें और वेट करना चाहिए। अगर 2 बजे तक ये प्रतिशत आपका लगभग जैसे 35-40 एक हेल्दी फिगर प्रतिशत आ गया तो इसका मतलब है कि पब्लिक बहुत उत्साहित है। देखिए मैं खुद भी फूलपुर का इलाहाबाद का ही रहने वाला हूं, सारा क्षेत्र मेरा घुमा हुआ है, रिश्तेदारियां हैं, मैं कुछ दिन पहले वहां के लोगों से बात कर रहा था तो ये क्लियर कट वहां पे था कि लोगों में वो उत्साह नहीं है जो लहर के टाइम पे या मेन इलेक्शन में होता है। मैं यही बोलना चाहता हूं कि यहाँ पे बाई इलेक्शन के जो डायनामिक्स होते हैं वो जैसे गांव के प्रधान का इलेक्शन होता है कि इंडिविजुअल आपने क्या किया है, इस चीज पे फोकस ज्यादा होता है। इंडिविजुअल कैंडिडेट कौन है, कैंडिडेट की रेपो क्या है, कैंडिडेट को उनकी पॉलिटिकल बॉन्डिंग कैंडिडेट ने वहां के लोगों के बीच में अपनी रेपुटेशन कैसी डेवलप की है, ये सब चीजें हैं जिसके कारण ये इलेक्शन के रिजल्ट्स जो है टोटली डिफरेंट रहेंगे। ये मेरे लॉजिक, ये मेरे एनालिसिस का जो लॉजिक है, लॉजिकल बैकग्राउंड है वो ये है कि बाई इलेक्शंस और नॉर्मल इलेक्शंस के डायनामिक्स टोटली डिफरेंट होते हैं, मुद्दे अलग होते हैं, लोगों की सोच अलग होती है। ठीक है, पीके तिवारी जी, जनरली ये हम लोग देखते हैं कि आमतौर पर 12 क्योंकि आज इतवार का दिन भी है, लोग ज्यादा रिलैक्सिंग मूड में होते हैं इतवार संडे की वजह से, लेकिन 12 बजे तक 1 बजे तक लंच करके आफ्टर लंच टाइम लोग अपनी दैनिकचर्या से निवृत्त होकर ज्यादा मतदान के लिए निकले ये उम्मीद हम कर सकते हैं, या फिर अक्सर ये देखा गया है कि जब जनता परिवर्तन की मूड में नहीं होती तब मतदान कम होता है? मैं समझता हूं कि देखिए 7 बजे से मतदान शुरू हुआ और ये मतदान प्रतिशत ये अलग बात है कि फूलपुर में 12% और गोरखपुर में 17% है, तो 17% होने के यानी 5% ज्यादा हुआ है वहां पर मतदान, लेकिन इसको भी बहुत उत्साहजनक अभी की स्थिति से नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एक हिसाब से देखा जाए तो 12% तो बहुत ही कम हुआ और 17% भी बहुत उत्साहजनक नहीं कहा जा सकता। मिश्रा जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि संडे है और हो सकता है कि वो थोड़ा रिलैक्स मूड में हो और उसके बाद में मतदान प्रतिशत बढ़े, 5 बजे तक दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है कि इसमें औसत मतदान प्रतिशत से ज्यादा नहीं होगा, 60% से ऊपर कहीं नहीं होना चाहिए मैं समझता हूँ। नहीं अगर औसत होगा तो सर फिर सपा बसपा जीत जाएगी, के लिए एक बात में अगर औसत होगा तो फूलपुर में सपा बसपा जीत जाएगी, आपका जो अनुमान है अगर औसत होगा हो भी सकता है, लेकिन फूलपुर के फूलपुर की अगर आपने बात कही तो वहां पर एक फैक्टर को आपको जरूर कंसिडर करना पड़ेगा कि अतीक अहमद जो वहां से सांसद रह चुके हैं वो वहां से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर अतीक अहमद इलाहाबाद के ही निवासी हैं और फूलपुर से सांसद रह चुके हैं और जाहिर है कि वो उनका एक माफिया वर्ल्ड में भी एक नाम है, वो बहुत से मुकदमे उनके चल रहे हैं उनके खिलाफ दर्जनों,
और बहुत सारे लोगों से, हजारों लोगों से उनके व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत उनके कार्यकर्ता भी हैं वो लोग। तो एक जो फैक्टर ये आता है कि मुस्लिम वोट और प्लस उनके जो व्यक्तिगत व्यवहार वाले वोट हैं वो जरूर उनको मिल जाएंगे। तो ऐसे फैक्टर में जो अन्य वोट है वो उनमें बंटवारा होगा। वो निर्दलीय प्रत्याशी केवल कहने को निर्दलीय प्रत्याशी नहीं है, बाकी एक मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी। ठीक है, चलिए के पांडे की ओर हम आते हैं, आपकी बात अधूरी रह गई थी। के पांडे, तो मैं ये कह रहा था कि वहां मठ से संबंधित लोग भी चुनाव में थे लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव हारे हैं। आज स्थिति यह है कि लगभग 30 साल के आसपास से यह सीट महंत जी के, इनके मतलब मठ के जिम्मे है, 30 साल से कोई इनको हरा नहीं पाया है। स्थितियां एक चीज जो बता रहे थे हमारे दोनों वरिष्ठ पत्रकार कि स्थिति आज यह है कि इसमें मुद्दे अलग और सारी चीजें बड़ा एनालिसिस करके लोगों का वोट होता है, पूरे देश और प्रदेश का नहीं, एक सीट दो सीट का चुनाव होता है। ऐसी स्थिति में 4 बार 5 बार योगी आदित्यनाथ जी को सांसद के रूप में वहां अभी वोट मिलता रहा है, वो जीतते रहे हैं। इस बार उनको मुख्यमंत्री के रूप में चुनाव लड़ना पड़ेगा और मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश और देश और उस पर्टिकुलर सीट के लोगों की, उस जिले के लोगों की आकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती है। गोरखपुर की जनता 2017 से इंतजार कर रही है, जिनके घरों में जी, जिनके आंसू आज तक सूखे नहीं, जिनके बच्चे जो है काल कवलित हो गए, और उसी गोरखपुर में महोत्सव मना के रंगरेलियां मनाई गई सरकार द्वारा। मतलब अभी माँ बाप के आंसू भी नहीं सूखे थे कि वही महोत्सव मनाया जा रहा था। नियम है कि अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो पड़ोस में भी 1 साल तक उनके दुख में हम सब लोग दुखी होते हैं, लेकिन उसी गोरखपुर शहर में महोत्सव मना के उनको, चूंकि सैफई का बदला लेना था कि सैफई में अखिलेश जी मनाते थे तो क्यों ना मनाए, उनको उन बच्चों की मृत्यु का इस सरकार को जरा भी कष्ट नहीं हुआ। वह माँ बाप और वहां की जनता इंतजार कर रही है कि जिनके आंसू भी नहीं सूखे वो बदला कैसे लेंगे। तो बदला वोट के ही माध्यम से लोकतंत्र में लिया जाता है, लाठी डंडा नहीं चलाया जाता। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वहां की जो चाहे जितने भी विकास के कार्य, लोकसभा में सारे मुद्दे उठाते रहे जोगी जी कि ये सब होना चाहिए होना चाहिए, और मुख्यमंत्री के रूप में जब कहना पड़ा कि ये होता रहता है तो दोनों में बड़ा अंतर रहा है। सांसद के रूप में जिम्मेदारी, मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। और जो गोरखपुर को 1 साल से अपेक्षा रही है, 1 हफ्ते बाद 1 साल पूरा होने जा रहा है, उस अपेक्षाओं पर यह सरकार 1% भी अब तक खरी नहीं उतरी है। बिल्कुल, उसी गोरखपुर में कार में जला के पेट्रोल छिड़क के लोग मारे जाते हैं, वहीं अभी भी रंगदारी मांगी जाती है, वहां भी चाहे लूट डकैती बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं रुकती है, और सबसे बड़ी बात कि वहां भी शहीद के घर पे रेड कारपेट बिछा के वहां के मुख्यमंत्री जाते हैं जिन्होंने वही पला बढ़ा है। आज गोरखपुर की जनता पूरी तरह से इन सारे चीजों का बदला लेके भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। और एके मिश्रा जी की समीक्षा सही है, लेकिन आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी गोरखपुर में हारेगी जो 30 साल पहले हुआ था। ठीक है, राजीव मिश्रा, आरोप के पांडे के बहुत गंभीर हैं। वाकई में ये स्थिति गोरखपुर की है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। 100 बच्चों का जो इंतकाल रहा, उनका जो निधन रहा, वो अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। मेरी बात सपना देखना तो नहीं, नहीं, आरोपों की बात है। देखिए, आरोपों का जवाब दीजिए, सपने तो बात बात मेरी बात मैं पहले कैसे हैंडल करेंगे, सुन लीजिए। 3 बार अवैधनाथ जी और 5 बार योगी आदित्यनाथ, ये लगातार गोरखपुर की जो सीट रही, और जिस तरह से आप मेरे मित्र बता रहे थे, जिस तरह से स्पीच दे रहे थे, ये लड़ाई किसने लड़ी, संसद से सड़क तक लड़ाई किसने लड़ी, मंजाइटिस की लड़ाई, मंजाइटिस की बीमारी का खोला किसने, मेडिकल कॉलेज, मेरी बात समझिए, जिस तरह से उन्होंने लड़ाई लड़ी सड़क से सांसद तक, आज लड़ाई अगर गोरखपुर में किसी ने लड़ी तो वो योगी आदित्यनाथ है। प्रिय मित्र, पहले मुझे बोलने दीजिए, उर्वरक जिस तरह से सड़क के समय सांसद में उन्होंने कहा कि पंचायती गोरखपुर में बीमारी है, लड़ाई लड़ रहे थे जब सांसद में वहाँ बहस कर रहे थे, कांग्रेस की सरकार थी लगातार, कांग्रेस की सरकार थी तब गोरखपुर का ध्यान नहीं आया था। जब हर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो योगी आदित्यनाथ ने लड़ाई लड़ी, और आज पंजाबी की बीमारी दूर करी गई तो वो योगी आदित्यनाथ ही है। मेरे प्रिय मित्र, 12 महीने में और क्या कर दिया केंद्र से, 400 पहले भी सरकार की 10 साल की, गोरखपुर में कुछ कर पाए, अरे गोरखपुर में कुछ करता होता तो वो कर पाए।
चुन चुन मैं तो ये कह रहा हूँ गोरखपुर तो छोड़ दीजिए, अमेठी और रायबरेली की स्थिति देख लीजिए, मूलभूत व्यवस्था नहीं है, सड़क नहीं है, लाइट नहीं है, खंजा नहीं है, जिस तरह से ये बात कर रहे हैं और ये मुंगेरी लाल के असीम साथ में देखना बंद कर दिया, ले गए थे फूड पार्क, आज तक वहाँ फूड पार्क नहीं बना। अरे मैं बता रहा हूँ, ले गए थे रेल कोच, वहाँ सारा बंद है, वो सारा पैसा भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया, एम्स को पैसा, रायबरेली को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना बंद करो। हमने नहीं कहा था 7% केसी जैन साहब को भी चले आते हैं चर्चा में, केसी जैन साहब लगातार नहीं हट पाया जी जी, ये जुमलों और झूठों की सरकार है, जब तक ये झूठों की सरकार कब तक चलती है, लगातार 60 साल कांग्रेस ने सरकार, रायबरेली की हालत आप देख लीजिए, रायबरेली में जो आपको सच बता रहे भारतीय जनता पार्टी के लिए देखिए, जब आते हैं तो वहाँ वो पहले से प्लानिंग बनती है, क्या उसमें झुला रहे हैं, सोनिया गांधी जी आ रही, सारी व्यवस्था होनी चाहिए, और आम जनता से रायबरेली अमेठी की जनता से नहीं मिल पा रहे, अब फिर वो भी दोनों सीटें बता देगी। अरे आप लोग चाहिए तैयारी कीजिए 14 तारीख को रोने की, पतन का समय उत्तर प्रदेश से सही, ये भी बताऊं यूपी में 7% है, यूपी में फिर लड़ गए 7% होके, अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, मुझे विकास करता है और निश्चित विकास करने जा रहा हूँ, एक सीट इनकी मोहनी हमारा गठबंधन नहीं होने देगा। चलिए ठीक पांडे जी, देखिए मैं आपको बता दूं, आप मोडस ऑपरेंडी समझिए, बीजेपी का जो डीएनए है काम करने का तरीका, मैं तो ये बोलता हूं कि बीजेपी अगर दोनों सीटें भी हार जाएगी ना तो भी बीजेपी के ऊपर कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट सेंटर में और केंद्र में उनकी है। ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है, डेफिनेटली जो विपक्ष होते हैं जो हार गए हैं उनके लिए तो अभी सरकार नहीं गिर रही। नहीं 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 सर, कुछ नहीं होगा, आप वो देखिएगा इनकी तैयारी वर्सेस जो है दूसरों की तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, इनका पोटेंशियल, इनकी मतलब ताकत, जिस हिसाब से ये चुनाव को पूरा स्ट्रेटेजाइज करते हैं। देखिए राजी, एक शब्द में आपकी बात का जवाब दे दूं, यूपीए का गठबंधन उत्तर प्रदेश में आज आपके बड़े चैनल पे कह के जा रहा हूँ, 80 सीट जीतेगा यूपीए का गठबंधन। अरे सब के नेतृत्व की भूमिका हमारी शुरू हो गई है, यूपीए सोनिया जी के नेतृत्व में हमारा हसीन सपने देख रहा है, बोहनी नहीं हो, मैं ये कह रहा हूँ पांडे जी, देखिए मेरी तरफ से तो आपको भी शुभकामनाएं, यूपीए एनडीए दोनों के गठबंधन को शुभकामनाएं है, लेकिन देखिए मैं बताता हूँ, आप स्ट्रेटजिक वे में एनालिसिस कीजिए, आप स्ट्रेटजिक वे में एनालिसिस कीजिए, हम यहाँ 22 सीट लोकसभा की जीते थे, आज तरीके की छोड़िए बात, जब जो जीत जाता है वही सिकंदर, आज बीजेपी जीती हुई है तो आपको काम करने का तरीका नजर आ रहा है। नहीं 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 सर, मैंने बीजेपी को बहुत क्रिटिसाइज किया है, यूपीए के काम करने नहीं, पांडे जी देखिए मैंने बीजेपी को भी बहुत क्रिटिसाइज किया है और आज भी मैंने बोला है कि भाई फूलपुर में मुझे इनका डाउट लग रहा है, मैं बड़ा उस तरीके से बोल रहा हूँ कि भाई आखिर बीजेपी क्यों ज्यादातर इलेक्शन जीतती जा रही है, इस चीज को समझने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, आपने भी तो अच्छा सोच करके ही समाजवादी पार्टी ने गठबंधन किया था ना, कांग्रेस का ईवीएम ट्रेडिंग नहीं, तमाम ट्रेडिंग उस जीत का कारण है, समाजवादी पार्टी ने हारवाड़ के प्रोफेसर को बुलाया था, हारवाड़ के पॉलिटिकल कंसल्टेंट को हायर किया था, आपने सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के साथ, समझने वाली चीज ये है कि ऐसा क्या ये खास कर रहे हैं जो जीत जा रहे हैं, आप लोग भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। नहीं नहीं हम कहीं नहीं जिम्मेदार है सर, जीतने वाली बीजेपी कहती है तो 2 सीट की थी, आपने जीरो बना दिया कि यह बीजेपी नेतृत्व की सरकार, अरे वहां का जो लोकल फ्रंट सरकार बना रहा है उसकी तो आप बात करते हैं सर, देखिए जीत के जो लोग अभी आपने बोला, अभी आप लोगों ने बोला, मैं बीजेपी का फेवर नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरी पार्टियों के लिए ये बोलना चाहता हूँ सर, अगर बीजेपी कुछ कर रही है तो आप लोगों ने भी पहले वो सारी चीजें की है, सरकार बनाने के लिए आप लोगों ने भी सारे हथकंडे अपनाए हैं सर, आप ही ने बोला ना आप भी नहीं, और अभी अभी अगर बीजेपी जीत रही है क्यों जीत रहा है, याद करिए, नहीं नहीं एक मिनट पांडे जी, देखिए ऐसा है, आपने कहा अभी कि आप लोग इसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि पांडे 60 साल तो सर आपकी पार्टी ने भी राज किया है,
लेकिन इसके बावजूद हमने सरकार नहीं बनाया क्योंकि समीक्षा करने में क्या बुराई है, हमारे पक्ष में नहीं पांडे जी समीक्षा तो करना चाहिए। मैं बिना किसी मेरा किसी से जो है कोई साइकोलॉजिकल झुकाव नहीं करते हो भाई पांडे जी, चाहे बीजेपी हो चाहे तरीके सही हो या गलत हो, मैं उसको नहीं बोल रहा हूँ और गलत तरीकों का मैं फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन इलेक्शन के टाइम पे सारी पार्टियां हर तरीके जो उनको समझ में आते हैं अपनाते हैं, सोचने समझने वाली बात है। मैं खुद आप लोगों से पूछता हूँ इतना सब कुछ करते हुए आप लोग जीत पाते हैं, हम लार्जेस्ट पार्टी होके भी इस देश में सरकार नहीं बनाए हैं और मिजोरम और गोवा में तो खरीद लिया गया सर, यही अगर अभी मेघालय में दो सर, यही अगर हम बीजेपी के प्रत्याशी से पूछेंगे ना बीजेपी की सरकार बन रही है, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला कांग्रेस ने जब इन्होंने बनाया तो बीजेपी वालों ने भी बीजेपी वालों ने भी 5 एग्जांपल दे दिए थे ना कि एक एक सीट से आप लोगों ने बीजेपी की गवर्नमेंट गिरा दी थी, ये भी तो एग्जांपल है ना कि संजय गांधी जी ने क्या किया था, उन्होंने भी तो गवर्नमेंट गिरा दी थी। ठीक है ठीक है ठीक है मिश्रा जी, तो ये सब हथकंडे हैं सर आप लोग अपना। दूसरा आप पांडे जी एक मिनट, पांडे जी आप समीक्षा तो करने दीजिए आपको जो हथकंडा समझ में आ रहा है गलत समझ में। पांडे जी सुनिए समीक्षा नैतिकता को भी तलाश, अरे आप देखिए ऐसा है कि हर फिर वही नैतिकता मैं नैतिकता की बात करता हूँ, कल भी इसी चीज पे हो रही थी सब, बहुत सारे मेरे आज जो मित्र बैठे हैं बैठे, कौन सी पार्टी बड़ी नैतिक है सर आप मुझे बताइए, जब इलेक्शन आता है तो सारी नैतिकता किनारे होते, आप मुझे ये बताइए आज की डेट में समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक सीट के लिए सर कर दिया सरकार कर दिया है, दिखता है लेनिन एक दूसरे को टंगा लेके समाजवादी पार्टी और ये दोनों के थे आपकी पार्टी, मैं मेरे से आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी के हमारे दीवारों पे लिखा था कि 27 साल यूपी में बेहाल चलिए ठीक है, देखिए ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, पांडे जी समीक्षा तो करने दीजिए नहीं अपनाए जाने चाहिए, अरे सर 60 साल आपकी गवर्नमेंट रही समीक्षा तो करने दीजिए, उसमें थोड़ी कोई बुराई होनी चाहिए, हर आदमी अपने चश्मे से देखता है। केसी जैन साहब देखिए अच्छा जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस तरीके से कह रहे थे कि मोदी जी ने ये दिया, देखिए मोदी जी तो किसको दे रहे हैं, अपने दूसरे मोदी को दे रहे हैं, वो लेके पैसा लेके भाग रहा है, या फिर माल्या को दे रहे हैं वो पैसा लेके भाग रहा है, मोदी जी की कोई अपनी निजी संपत्ति नहीं है कि मोदी जी ने ये दिया मोदी जी ने वो दिया। रही बात काम करने की, जितना काम समाजवादी पार्टी सरकार में गोरखपुर में भी हुआ इतना काम कभी नहीं हुआ, आप वहां की सड़कें देख लीजिए, जो ओवरब्रिज दिए वो देख लीजिए, वहां पे 250 बेड का हॉस्पिटल दिया वो देख लीजिए, और उसके बाद में एक साल अगर बीत गया है, अगर इस पे सवाल होता है कि एक साल बीत गया आपने गोरखपुर में क्या दिया, तो बिल्कुल ये सवाल लाजमी है। और रही बात यह कि समर्थन की लेकर के अभी जो भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे कि भाई आप समर्थन ले लेते हैं, मायावती जी स्वतः समर्थन दे देती हैं, ये सौदेबाजी है, अरे आप तो जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ में गठबंधन करते हैं जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती है, जिसको आप अलगाववादी पार्टी कहते थे, अरे एक घटना भी याद रखो जो मीरा भाई गेस्ट हाउस में स्वर्गीय प्रेम मिश्र बेदी ने बचाया था, मैं तुम्हारे पूरे गुंडे टूट पड़े थे उनपे मारने की पूरी, अगर भारतीय जनता पार्टी मायावती जिंदा ना होती हल्ला बोल से काम नहीं चलेगा, बताइए हल्ला बोल से काम नहीं चलेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथी अगर चुप रहे तो मैं अपनी बात को रखूं, ठीक है 10 मिनट चुप रह के सुन रहा हूँ, सुनिए सुनिए मिश्रा जी सुन लीजिए, इस तरीके से हल्ला बोल से आपके डिबेट ना तो कोई देख पा रहा है ना कोई सुन पा रहा है, ठीक है राजीव मिश्रा जी सुन लेते हैं, देख रही है हाँ, ठीक है जल साहब बोलिए, देखिए जो मायावती जी के लिए जिस तरीके से इन्होंने शब्दों का उपयोग किया, उनको सुपनखा तक कह दिया, ये कहाँ की नैतिकता है, ये इस तरीके के भौड़े शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में जो पहले कभी नहीं हुआ उस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, अभी इसके पहले एक चुनाव हुआ था कांग्रेस के एक साथी ने कुछ कह दिया था उनको कांग्रेस से बाहर तक होना पड़ा, उनको नोटिस तक जारी हुई, राहुल गांधी जी ने उनको नोटिस जारी की, इनके नंदगोपाल नंदी इतने अराब शराब शब्द कहते हैं, रावण राक्षस सुप्रखा क्या क्या कह दिया, इन्होंने क्या कार्रवाई की,
कैसी नैतिकता? भारतीय जनता पार्टी की कोई नैतिकता नहीं बची है, इनका काम सिर्फ ये है कि सरकार कैसे बनाए। दो सीट लेकर के आते हैं और फिर कहते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है मेघालय में। आप ये बताइए, अगर 100 क्विंटल सोने की मूर्ति हो और उसमें 2 किलो लोहा हो तो उसको लोहे की मूर्ति कहेंगे कि सोने की मूर्ति कहेंगे? इसको ये लोहे की मूर्ति कह रहे हैं, इस तरीके के लोग हैं ये, कह रहे हम जीत रहे हैं। गोवा में भी इन्होंने इसी तरीके से किया, सीटें किसी की ज्यादा, सरकार कोई बना रहा है। सरकार क्यों कोई बना रहा है? क्योंकि हर जगह जहां जहां इनके राज्यपाल बैठे हैं, राज्यपाल अपनी गरिमा के हिसाब से काम नहीं कर रहा है। राज्यपाल भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, उसको निमंत्रण दे रहा है जिसकी सबसे कम सीटें, कि आइए आप सरकार बनाइए। ये कर रहे हैं, दो जगहों पे चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराने का काम किया। सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें तमाचा मारा, तब भी इनको अकल नहीं आई। उत्तराखंड में चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिराया कांग्रेस की, और सुप्रीम कोर्ट ने तमाचा मारा, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रयास किया और आखिर में हटा। ये काम कर रहे हैं, कह रहे जीत रही है भाजपा। कैसे भाजपा जीत रही है? गुजरात में इनकी कितनी सीटें कम हुई, कितने मंत्री इनके हारे, ये इसकी समीक्षा नहीं कर रहे, कह रहे हम जीत रहे। देखिए, एक बार जनता ने इनको अवसर दिया है, लेकिन दूसरी बार जनता बिल्कुल इनको अवसर नहीं देना चाहती है, क्योंकि जनता इनकी सरकार से पूर्णता ऊब चुकी है, उससे छुटकारा पाना चाहती है। इसलिए जहां जहां दोबारा चुनाव हो रहे हैं, बाय इलेक्शन हो रहे हैं, राजस्थान में चुनाव हुआ, देखिए क्या परिणाम हुआ, जहां जहां बाय इलेक्शन हो रहे हैं, दोबारा चुनाव हो रहे हैं, वहां वहां पीछे से कमल बुझाता जा रहा है, आगे आगे ये बोते जा रहे हैं, लेकिन पीछे से पूर्णता साफ होता जा रहा है। और गोरखपुर फूलपुर चुनाव में इनका ये परिणाम दिखाई देगा। मायावती जी को जो गाली दी है इनके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उसका बदला वोट के माध्यम से वहां का दलित समाज लेगा। ठीक है, तो राजीव मिश्रा जी, ये बड़ा सवाल आखिर ये है, जो आरोप लगते रहे बीजेपी के ऊपर गोरखपुर में, तमाम बातें अभी पांडे जी ने बहुत कुछ कही। पीके तिवारी जी के पास मैं आता हूँ। पीके तिवारी जी, ये बताइए कि ये जो मुद्दे हैं गोरखपुर के, खास तौर से वाकई सोचने वाली बात है कि जब कुछ ऐसे इमोशनल इश्यूज हों तो इस पर काम क्या करेगा? मरहम काम करेगा? स्ट्रेटेजी काम करेगी? रणनीति इस पर हावी होगी? क्या होगा? क्योंकि आखिरकार मत तो मतदाता ही करेगा ना, उसका तो अधिकार उसके हाथ में। कि मुद्दों से भी ज्यादा यहां पर आस्था काम करेगी और मुद्दों से भी ज्यादा यहां पर रणनीति काम करेगी। अक्षय जी, मेरी अपनी ये मान्यता है, गोरखपुर में तो साफ साफ, और रणनीति जो है वो बूथ लेवल का वर्क और ये मुद्दे नहीं, रणनीति से आप मतदाता का ब्रेन वॉश कैसे करेंगे? ऑल अगर रणनीति से आप मतदाता का जो कुछ चीजें दिमाग में लेकर बैठा है उसका ब्रेन वॉश कैसे करेंगे? कुछ आपको लगता है कुछ इमोशनल हर्ट होगा गोरखपुर की जनता में, एक जो बड़ा वहां पर एक जो बड़ा इंसिडेंट हुआ है? आप सही कह रहे हैं, लेकिन 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 उसके बाद में भी ऐसा होता है कि रातों रात जो है वो कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि वो रणनीति वहां पे काम करती है। इस लिहाज से वो इसकी कोई आप गारंटी हम लोग नहीं कर सकते हैं कि यही मुद्दे हावी रहेंगे और यही बात हावी रहेगी। अभी देखिए, कांग्रेस का भी कैंडिडेट जो फूलपुर में है वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत हल्का कैंडिडेट है, वो भी उनके फादर जो है वो एक पॉपुलर फिगर रहे हैं, हालांकि ब्यूरोक्रेट रहे हैं, लेकिन यह है कि उनकी एक इमेज अच्छी मानी जाती है और वो भी मजबूत कैंडिडेट माने जाते हैं। अब मान लीजिए वोटों का बंटवारा ऐसा हो जाता है तो उसमें थोड़े से भी मार्जिन से जो आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा, तो ये स्ट्रेटजी जरूर काम करेगी, ये मेरा मानना है। ठीक है, केके पांडे जी, ये जो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार चल रहा है, पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, आखिरकार जनता के हाथ में है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन इसमें कांग्रेस का आप क्या स्थिति, कांग्रेस की क्या देख पाते हैं आप? अभी तो गोरखपुर या फूलपुर में हम कहीं भी देखें तो कांग्रेस फाइट में कहां है? हाँ, अलग से चुनाव लड़ने का हमारा आशय यही है कि हम कहां स्टैंड करते हैं इसकी भी जानकारी हर राजनीतिक दल को होनी चाहिए। हम दोनों जगह चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्य मुकाबला 2019 है जिसके लिए हमारी तैयारी जोरों पे है, जिसके नेतृत्व में यूपीए के नेतृत्व हमारी चेयरपर्सन है सोनिया जी, 13 तारीख को कार्यक्रम और इसके बाद हमारी तमाम मीटिंगें होती रही हैं। यूपीए में अखिलेश यादव जी पहले से हमारे गठबंधन के साथी रहे हैं और ऐसी ये चूंकि बाई इलेक्शन को हम 2019 से तो नहीं ले सकते, तो ऐसी स्थिति में 2019 की हमारी रणनीति है, किस प्रांत में किसके साथ हमें जाना है, किस प्रांत में क्या हमारी रणनीति होगी। 16 ऐसे प्रदेश है पूरे देश में जहां हम सीधे भारतीय जनता पार्टी से लड़ते हैं या किसी अन्य दल से लड़ते हैं, 16 प्रदेशों में हम सीधी लड़ाई लड़ते हैं, बाकी प्रदेशों में और ट्रेगुलर फाइट और क्षेत्रीय दल भी वहां रहते हैं।
तो उन क्षेत्रीय दलों से हमारी स्थिति क्या होगी। चंद्रबाबू नायडू बीजेपी छोड़ के एक तरह से चले ही गए, हमारा प्रयास होगा वो भी हमारे साथ आए। जीतन राम मांझी बीजेपी छोड़ के चले गए। देखिए कहीं ना कहीं संकेत बताता है, आज संकेत यह बता रहा, उस समय हमें छोड़ के लोग 2014 में जा रहे थे, बहुत साफ बात है। आज वो संकेत था कि हम कहीं ना कहीं हार रहे हैं। आज यह संकेत है, आज किसी चैनल का नाम लेना किसी चैनल पे उचित नहीं है, लेकिन आज कंक्लेव में जहां लोग अन्य इस सरकार के लोगों को बुलाया करते थे, आज सोनिया जी को बुला के एक घंटा सुनने का काम कर रहे हैं। क्यों? आज यह संकेत है कि यूपीए की 2019 में सरकार बनने जा रही है, और उस संकेत के तब चलते तमाम दल जो बीजेपी से नाराज होके जा रहे हैं, वही असर वोटरों पे भी पड़ने की स्थिति है। वोटर हमारे आपके तरह से कहीं वो चिल्लाता नहीं है, वोटर को भी ये पता, वो भी कम से कम इतना एनालिसिस करेगा कि फूलपुर में इलाहाबाद में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, वो भी हो सकता है पीछे जाने का काम करेगा, तो उसको भी ये बात पता लगेगा कि हिंदुस्तान में अगर पहला IIM आया तो इलाहाबाद में खुला, रीजनल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट अगर 7 दिए जा रहे थे पूरे देश में तो वो पहला इलाहाबाद में खुला। इस तरह से तमाम ऐसी चीजें, अगर वहां फोर्स आर्मी की जमीन दी गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को, एक बड़ी भारी जमीन कांग्रेस की सरकार ने दिलाया लॉ फैकल्टी खोलने के लिए, तो वो भी काम इलाहाबाद में। सर इलाहाबाद में कौन सा IIM है? समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपने कार्यकाल में। सर इलाहाबाद में कौन सा IIM है? इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का नहीं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो नंबर 1 पे इलाहाबाद में पूरे देश में। सर कौन सा है बताइए ना, नाम तो बताइए। मैनेजमेंट सर लखनऊ का हमने सुना था। नहीं नहीं, देखिए नंबर 1 पे जो है वो इंडिया का IIM अहमदाबाद आता है। रीजनल इंजीन सुनिए, मोतीलाल नेहरू की तो नहीं अरे सर वो NNRIC रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज है, मैनेजमेंट का कौन सा इंस्टीट्यूट है? सुनो बताइए, हर जगह बीच में कुत्ते चले जा रहे हैं। मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, विदेश से नहीं आया। तो बताइए, मैं भी वहीं का रहने वाला हूँ, वहीं प्रदेश का, विदेश से नहीं आया। बताइए इलाहाबाद में कौन सा नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने दिया है? सुनिए, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बताइए सर, MBA का कौन सा इंस्टीट्यूट नंबर वन है? रीजनल के रूप में जब दिया जा रहा है इलाहाबाद के बारे में, आपको इलाहाबाद का नहीं पता है? कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में कांग्रेस ने दिया है जो इंडिया में टॉप 10 में आता है? आर्मी की जमीन दी गई लॉ फैकल्टी खोलने के लिए इलाहाबाद में। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, इलाहाबाद बोल रहे हैं। आपने आपने जो जानकारी शेयर की वो गलत थी। नहीं नहीं नहीं, बात यह है कि गलत जानकारी सर, गलत जानकारी भी तो कोई भी बोलेगा ना। इलाहाबाद में कोई मैनेजमेंट नहीं है पांडे जी, गलत जानकारी थी। बिल्कुल है मैनेजमेंट, आप असल वजह थोड़ा अपना शिक्षा का दायरा बढ़ाइए। पांडे सर आपके समझ में आ जाएगा। नाम बताइए कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में है जो इंडिया के टॉप 10 में आता है? इलाहाबाद में खुला है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का निर्माण है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आपको तो ये भी नहीं जानकारी होगी कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की लॉ फैकल्टी किसकी जमीन में खुली है। सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को इलाहाबाद बोला जाता है, मैं मानता हूँ। एक मिश्रा आप ही बताओ किसकी जमीन में खुला हुआ है? सर वो सब मैं मानता हूँ, किसकी जमीन? पांडे जी मैं तो ये बोलता हूँ कि अगर 7 साल कांग्रेस रही है तो इसका मतलब नहीं है कि कांग्रेस ने विकास नहीं किया है। कांग्रेस ने भी जबरदस्त विकास किया है, जितना हो सकता था सारी पार्टियों ने किया है। मेरा सवाल ये था सर कि इलाहाबाद में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट शायद नहीं है, आपने गलत बोल दिया है। जानकारी गलत आई इसलिए मैं कह रहा हूँ हाँ मैनेजमेंट। सर धन्य है सर, कौन सा इंस्टीट्यूट है नाम बताइए? जब 12 खुल रहे थे मैनेजमेंट, कौन सा टॉप 10 इंस्टीट्यूट है मैनेजमेंट का इलाहाबाद में, नाम बताइए इंस्टीट्यूट, उसमें पहला इलाहाबाद में खुला है। ठीक है सर, चलिए कांग्रेस में चलिए, मैं मान लिया कि इंडिया का नंबर वन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कांग्रेस ने इलाहाबाद में खोला है, मान लिया, चलिए तो पड़ेगा ही। आपको नमस्कार सर, अब हो गई सर, आप देखिए गणमान्य लोग हैं, आपकी बात को नहीं मानेंगे। मेरे नॉलेज में तो इलाहाबाद में कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है MBA का। मैं आपको बता देता हूँ इलाहाबाद में क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि जब हिंदुस्तान में 12 खुले तो पहला इलाहाबाद में खुला। वो बात पहला इलाहाबाद सर, वो मैं मान सकता हूँ, मेरा और मैनेजमेंट का दोनों इलाहाबाद में पहला खुला। सर मैं आपको बताऊंगा कॉलेज जो इलाहाबाद सेकेंड ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, जादवपुर यूनिवर्सिटी कलकत्ता के बाद सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद की है, मैं इसको भी मानता हूँ। मुझको लग रहा है एके मिश्रा जी आप टीवी चैनलों पे अभी जल्दी आना शुरू किया, इसलिए आपको उतावलापन कुछ ज्यादा। अरे सर गलत बात को मैं क्यों सपोर्ट करूंगा? आपको सुन रहा था, बात उतावलापन की नहीं है, लेकिन नहीं देखिए आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं और नेता है, इसका मतलब नहीं है कि जो आप बोल देंगे मैं मान लूंगा। इलाहाबाद में सर कोई टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट नहीं है। आजकल दिक्कत
आज अब मैं कह रहा हूं है, मैं कह रहा हूं आज भी है, हिंदुस्तान के 12 एक साथ खुलने से पहला इलाहाबाद में खुला, मैं कह रहा हूं। तो सर नाम पांडे जी नाम बताइए, पांडे जी नाम तो बताइए, हमारी जानकारी दुरुस्त कर दीजिए। अरे इस डिबेट के बाद एक के मिश्रा जी आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं नहीं हमारे हमारे मिश्रा जी पांडे जी पांडे जी एक मिनट, हमारे दर्शकों को भी बता दीजिए, उनकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी। सर कोई गलत चीज थोड़ी है कि जो हम छुप के आपसे पूछेंगे, बताइए इलाहाबाद में कौन सा मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है जो इंडिया में टॉप 10 इंस्टीट्यूट में आता हो मैनेजमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट की कैटेगरी है, बता दीजिए। चलिए ठीक है, मैं पूछ लूंगा सर आपसे, मैं मेरा निवेदन सुन लीजिए जी। मिश्रा जी मिश्रा जी थोड़ा सा मेरा निवेदन सुन लीजिए, ये जितने भी IITs और NITs होते हैं उसमें हिस्ट्री भी पढ़ाई जाती, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाई जाती, मैनेजमेंट भी पढ़ाया जाता है, तो थोड़ा सा उसको उस दिशा में समझ लीजिए कि IIT NIT जो मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है इलाहाबाद में, उसमें मैनेजमेंट की भी आंशिक रूप से पढ़ाई कराई जाती है। पूरे हिंदुस्तान में 12 खुला, पांडे जी को भी आप अपने साथ में समाहित कीजिए, समायोजित कीजिए, मेरा ये निवेदन है। नहीं नहीं ये तिवारी जी सर प्लीज हाथ जोड़ के मेरा सुनिए, पांडे जी आप सुन लीजिए, नेता होने का मतलब नहीं है सारी चीजें आप सही बोलते हैं, मैं 500 मुद्दे जानता हूँ। मैनेजमेंट इज अरे मिश्रा जी यहाँ ये मुद्दा नहीं है, हम चुनाव के ऊपर डिबेट कर बैठे हैं। ठीक है, अभी आप दोनों डिबेट के बाद आपस में बात कीजिए, जानकारी शेयर कीजिएगा। ठीक है चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है एक मिनट, ठीक है नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज में भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर सकते। अरे नाम क्यों नहीं बताएंगे हम, नाम लेकर चलिए ठीक है, हम जानकारी दुरुस्त करेंगे। पांडे जी आप बात आप बात कीजिएगा, हम जानकारी दुरुस्त करेंगे, आप भी जानकारी दुरुस्त करिए। वैसे तो हम चाह ये रहे थे कि यहाँ बताते तो हमारे दर्शकों की जानकारी दुरुस्त होती। जानकारी नहीं 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 बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है अच्छे जी, और मेरे पास वो है, मैं कहीं ढूंढ रहा हूँ, मैंने सारा कुछ वो मेरे पास है कि किस नाम से है और उसका पहले नाम क्या था, फिर नाम चेंज किया गया, ये भी मुझे मैं बता दूंगा। ठीक है सर, सर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ठीक है, एक बात बीच में आ गई, लेकिन चुनाव की डिबेट हमारी चल रही थी, हम मतदान के ऊपर बात कर रहे थे, हम मतदान के ऊपर बात कर रहे हैं, हम वोट प्रतिशत के ऊपर बात कर रहे हैं, हार जीत की बात कर रहे हैं, डिबेट किसी दूसरी तरफ निकल गई। खैर अब समय समाप्ति की ओर है और आप में से बहुत मेहमान ऐसे हैं जिन्हें कहीं और भी निकलना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने जितना भी कीमती समय हमें दिया इसके लिए। के पांडे जी कांग्रेस की ओर से, पीके तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, इसके अलावा केसी जैन समाजवादी पार्टी लखनऊ, राजीव मिश्रा बीजेपी लखनऊ, और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एके मिश्रा मेरे साथ अभी आगे चर्चा में बने रहेंगे, एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हिंदी खबर।